What is the scope of B.Ed in special education and eligibility? वेरी गुड क्वेश्चन. आप ये देख लीजिए कि हमारे पास कैसे स्कूल है. फर्स्ट, हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल है, एडेड स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है. इसके अलावा जो आप डिवाइड करते हो, केंद्रीय विद्यालय है, निवोदय विद्यालय है, मेरिटोरियस स्कूल है, वो स्टेट या सेंटर की पॉलिसी के अधीन जो गवर्नमेंट स्कूल्स में या सेमी गवर्नमेंट्स में ही आते हैं. तो हम ये डिवीजन क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने, अच्छा सिर्फ 20 नहीं, उसने इंक्लूजन पर, इक्विटी पर बहुत ज्यादा जोर दिया. ये अगर पीटेट सीटेट भी करना है, इन टर्म को समझना होगा. इसका क्या मतलब है इक्विटी, कि ये मान लीजिए बच्चे हैं, ठीक है, ये कुछ बच्चे क्या है कि नॉर्मल बच्चों से पीछे रह गए हैं. ये इतना पीछे रह गए हैं, ये इतना पीछे रह गए हैं, ये बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं. अब क्या है कि इक्विटी का क्या कंसेप्ट है कि इन जो बच्चे पीछे रह गए हैं, इनके साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाए. क्या बात है, डिस्क्रिमिनेशन, यस, मतलब इनको इनसे ज्यादा एक्स्ट्रा हेल्प दी जाए, ताकि जो हेल्प से जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके बराबर आ जाए. इस बात को समझ लीजिए. अब ये जो पीछे रह गए हैं, उनमें से कुछ कैटेगरी कौन सी है, MR बच्चे हैं, लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हैं, और इस तरह की कई कैटेगरीज हैं, ब्लाइंड बच्चे हैं, हो सकते हैं किसी भी तरह के. लर्निंग डिसेबिलिटी एक्ट जो है 2016 का है, 21 डिसेबिलिटीज हैं उसमें. ये क्वेश्चन ही बन रहे हैं आपके पीटर सीटर के, तो 21 डिसेबिलिटीज है. वो सभी को जो वो ऐसे पीछे रह गए हैं, उनको एक्स्ट्रा हेल्प देनी है, उनको आगे लेके जाना है. एक्स्ट्रा हेल्प कौन देगा, स्पेशल टीचर देगा. अगर MR के बच्चे हैं, नॉर्मल टीचर को उन पता ही नहीं है ज्यादा कि MR बच्चे को डील कैसे करना है, ट्रीट कैसे करना है, आगे कैसे लेके जाना है. क्या TMR, EMR, CMR सभी को सेम जैसा ट्रीट होगा? क्या EMR को हम नॉर्मल के रेंज में ला सकते हैं? हाँ, ऐसी प्रोबेबिलिटी है अगर मेहनत करते हैं तो. तो वो एक्स्ट्रा हेल्प देने के लिए, कभी जैसे बच्चे हैं इंक्लूसिव और जो MR का स्पेशल एजुकेशन जिन्होंने की है उनको बुलाया जाएगा. लर्निंग डिसेबिलिटी का ईशान तारे जमीन पर याद कीजिए, है ना, वो लर्निंग रीडिंग डिसेबिलिटी है उनको बुलाएगा, यार ये रीडिंग डिसलेक्सिया है, इनको आके आप एक्स्ट्रा हेल्प दो. अब ये तो नहीं है कि हर स्कूल में उसकी जॉब जो है दूसरे टीचर की तरह होगी, पर आइडली ये पॉसिबल है कि हर एक स्कूल में मिनिमम वन टीचर स्पेशल एजुकेशन का हो. अच्छा, वो क्या कैसे होगा? मान लीजिए ये ग्रुप ऑफ नजदीक के हैं, ये स्कूल है, 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 इनके पास MR का टीचर है, इनके पास लर्निंग डिसेबिलिटी का है, इनके पास विजनी इम्पेयर्ड का है ना, इनके पास हियरिंग इम्पेयर्ड का है, जिन्हें सुनने देता बच्चों को दिखाई कम देता है, ऐसी प्रॉब्लम वाले बच्चे, तो ये ग्रुप ऐसे बनेंगे. आइडियल स्टेट बताता हूं जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विजुलाइज कर रही है. तो ये 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 क्या, इनकी दो दिन जाके हेल्प करेंगे, ये दो दिन इनकी हेल्प करेंगे, ये दो दिन हेल्प करेंगे. इट मींस कि इस कंसेप्ट के मुताबिक मिनिमम वन स्कूल में वन स्पेशल एजुकेशन वाले टीचर की जरूरत पड़ेगी एडिशनल लेवल पर, क्योंकि गवर्नमेंट कंजूस है, पैसे नहीं खर्चना चाहती. लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये लिख दिया गया है कि 6% ऑफ GDP खर्च किया जाएगा, जो हम 68 से नेशनल पॉलिसी 68 से कहते आ रहे हैं, अभी तक नहीं खर्चा. वो खर्चते हैं किस पर खर्चा होगा? बार बार इक्विटी 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 आ रही है, एक्स्ट्रा हेल्प एक्स्ट्रा हेल्प एक्स्ट्रा हेल्प, इनके लिए, इन बच्चों के लिए. तो वो नेचुरली है कि ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, वो कहां से आएंगे? जो आपने क्वेश्चन पूछा कि जो B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन, अभी बहुत कम कॉलेज में 25 सीट्स हैं, जहां नवजीनी कॉलेज में है, एक और कॉलेज में मैंने बताया था, थोड़ी सीट्स हैं, लेकिन इनका स्कोप ज्यादा है अकॉर्डिंग टू जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी. तो बच्चे वो टीचर मिलेंगे नहीं जब जॉब्स निकलेंगी. दूसरी बात कि ये इसे गवर्नमेंट में तो पक्का होगा, लेकिन एडेड में भी ये अप्लाई होगा. न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तीनों में कोई फर्क नहीं रखा, पर मैं कह रहा हूं कि प्राइवेट स्कूल का जो प्राइवेटाइजेशन, जो कार्ल मार्क्स ने कहा था ना कि यार वो शोषित करते रहेंगे, वो इसलिए मैं प्राइवेट स्कूल को डायरेक्ट नहीं बोला, उसके स्टेटिफिकेशन कर रहा हूं, डिवीजन कर रहा हूं. जो हाई क्वालिटी के हैं, हाई स्टेटस के हैं, वो इंक्लूजन के लिए अच्छे टीचर स्पेशल टीचर एजुकेशन को वो भी रखेंगे. इट मीन स्कोप क्या हुआ, गवर्नमेंट में भी इसका स्कोप है, आने वाले सालों में इंप्लीमेंटेशन होगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की. एडेड में भी है और प्राइवेट के गुड स्कूल में है, लो में नहीं है.
एवरेज में कह नहीं सकता, ये डिपेंड करता है कितनी देर तक युद्ध चलता है। ठीक, तो एलिजिबिलिटी यही है कि आपने ये बीएड की हो, और बाकी है कि आपकी कितनी स्किल्स हैं, आप कितना बच्चों को प्यार अपडेट कर सकते हैं, उस पर फर्दर रीडिंग कीजिए, रिसर्च कीजिए, है ना। उसके लिए गाइडेंस चाहिए हो आप बात कर सकते हैं डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज। थैंक यू।